में खुश आमदीद उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे क्योंकि पेपर्स बहुत करीब हैं और आज से बिल्कुल पाँच दिन के बाद आज दिसंबर है और सात आठ और नौ और दस चार दिन बाकी हैं और इन तब से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे तो उसी सिलसिले को हमने आसान बनाने के लिए कुछ वीडियो स्टार्ट की हुई हैं ताकि आपको बर वक्त गाइड किया जा सके और आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं तो एक तो ये था कि जिनके पास कोई फ़ीस का इशू था तो वो डेट शीट नहीं बना सकते थे तो यूनिवर्सिटी ने उनके लिए एक अनाउंसमेंट्स की है बड़ी अच्छी तो जो आज की वीडियो है ना उसी सिलसिले में है कि एल एम एस ब्लॉक थे जिनकी फ़ीसेस आपको पता है कि पे नहीं की गई थी तो उनके लिए यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन कर दी और बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है उनके लिए तो उस गुड न्यूज़ के ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं और फ़ौर आप वीडियो देखने के बाद अपनी डेट शीट बना सकते हैं तो ज़रा डिटेल चेक कर लेते हैं और उस डिटेल में जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी कोई भी वीडियो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपके फ़ायदे के लिए हर चीज़ को सामने लेके आया जाए तो उस फ़ायदे को हासिल करने के लिए जो हमारी कोशिश है कि आप तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो अगली दफ़ा ऐसी वीडियो आपको ढूंढने से मिलेगी यानी आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर रोज़ाना लाखों वीडियोज़ अपलोड होती हैं तो अगर आपको ऐसी वीडियो की तलाश होती है जो आपकी स्टडी और वीडियो के हवाले से बर वक्त आपको अपडेट कर दे तो फिर उसके लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड हो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए और नोटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन को भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें तो ज़रा चलते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर आपको पता है कि जैसे ही आप एल एम एस ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे वन लिखा हुआ है ज़रा उसको देख लेते हैं और उसमें जो सताईस को यूनिवर्सिटी ने एलएमएस ब्लॉक किए थे और फिर अट्ठाईस उनतीस गुजर गई चार को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट एक्सटेंशन हुई थी और पाँच को यूनिवर्सिटी ने आज यानी कल एल को अनब्लॉक कर दिया था और उस अनब्लॉक की शर्त क्या है वो आपको बता देते हैं अनब्लॉकिंग ऑफ एल एम एस फॉर फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यूनिवर्सिटी हैज़ अनब्लॉक अकाउंट्स है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी कोई बकाया ज़्यादा दस हज़ार तक बकाया है यानी अगर उसकी टोटल फीस अब तक नवंबर तक दिसंबर तक पे करने वाली थी बल्कि नवंबर तक होगी क्योंकि दिसंबर की जो ड्यू डेट है वो तो दस या ग्यारह होगी तो इससे पहले यानी नवंबर तक अगर उसकी फ़ीस कोई है दस हज़ार तक बकाया थी तो उसका एल एम एस अनब्लॉक हो गया है अगर किसी की ग्यारह हज़ार बकाया है वो एक हज़ार पे करके उसका जो लेवल है वो दस हज़ार तक करके अपनी डेट शीट बना सकते हैं यानी कम से कम बकाया जो रहना चाहिए आपके अकाउंट में वो सिर्फ दस हज़ार तक होना चाहिए इससे ज़्यादा नहीं ये बड़ी अच्छी खबर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी तक फीस किसी वजह से पे नहीं कर सके और आ, कुछ ऐसे भी थे उनमें से जो, जो फ़ीस की वजह से ये सेमेस्टर ड्रॉप कर रहे थे यानी डेट शीट ही नहीं बना रहे थे और जब डेट शीट नहीं बनाएंगे तो आपका सेमेस्टर ड्रॉप हो जाता है और आप फाइनल टर्म में तो ज़ाहिर है फिर पास नहीं कर पाते ना सारी चीज़ें तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और फ़ौर अभी डेट शीट बना रहे हैं और डेट शीट बनाने के लिए आपने आ, सिंपल अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में डेट शीट डॉट वी यू डॉट ई डी डॉट पी के ये लिंक ओपन कीजिएगा और फिर यहाँ से आपने लॉग इन कर लेना है और बाकी चीज़ें जो आ, आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले ही वीडियोज़ के ऊपर आप वहाँ से देख के इसी चैनल के ऊपर तो अपनी डेट शीट फ़ौरन बना लें और जहाँ पेपर देने हैं आप दें पेपर ताकि आपका ये सेमेस्टर वेस्ट ना हो तो उम्मीद है कि ये अपडेट बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी जिनकी फ़ीस की वजह से अभी तक डेट्स नहीं बनी हुई तो डेट शीट बना लें और अगर फीस कोई दस हज़ार से ज़्यादा बाकी है यानी ग्यारह हज़ार बकाया है या बारह हज़ार बकाया है तो उसमें से आप दो हज़ार पे, पे करके कोई ऐसा वॉचार जो दो हज़ार का है या ज़्यादा क्या है वो पे करके आप मिनिमम बैलेंस जो लेवल आपके अकाउंट बुक में नीचे बचना चाहिए वो दस हज़ार से ज़्यादा हो तो आपका एल एम एस ओपन हो जाएगा आप डेट शीट बना लें और फ़ीस लाजमी तौर पर है कि आप इजी पैसा से पे करें एच बी एल ऑनलाइन ऐप जो आपके मोबाइल में होती है उससे पे करें क्योंकि उससे पे करने से फ़ौन एल एम एसब्लॉक हो जाएगा और आप फ़ौर डेट शीट बना सकेंगे उम्मीद तो है कि ये जो अब अनाउंसमेंट्स है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी और जो देख रहे हैं वीडियो को फ़ौर अपनी डेट शीट बना लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में और उसको हम बनाएंगे कि जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो जो पेपर है जाके कैसे देख देंगे और उससे पहले उनको क्या क्या जानना ज़रूरी है ताकि वो सारी चीज़ें ऐसी ना हों कि वो जब पेपर में जाएं तो वहाँ पर जाके उनको सीरीज सीखने पड़ें क्योंकि तो वहाँ पर जो तो टाइम फिक्स होता है तो उससे पहले ही वो जान लें और उसकी प्रैक्टिस कर लें और आसानी से पेपर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा चैनल का भी अल्लाह हाफिज़